नमस्ते दोस्तों, रीमा शर्मा की रंगोली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सुशांत सिंह राजपूत जी की पोर्ट्रेट रंगोली बनाने वाली हूँ। तो सारे स्टेप, सारे सेटिंग्स में इस वीडियो में लेकर आ रही हूँ, सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 सेंटीमीटर के एक एक बॉक्सेस है। कैसे ड्रॉ करती हूँ इसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स है। फिलहाल मैं कैसे बना रही हूँ मैं सेटिंग्स आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आई स्टार्ट किया। आई के जो बीच वाले ब्लैक होल्स होते हैं वो ब्लैक और फिर ब्राउन से मैंने सेटिंग की है, और बीच में दो वाइट डॉट्स दिए हैं। इधर भी मैं सेम, देखिए ब्लैक के बीच में हल्का सा ब्राउन, फिर उसके फिर लाइट ब्राउन और फिर वाइट से मैंने डॉट दिया है। आईब्रो बना लेती हूँ। आईब्रो के लिए मैं ब्लैक से पहले तो सबसे पहले आपको पिक्चर ड्रॉ करनी होती है, और मैंने 6 सेंटीमीटर के एक एक बॉक्सेस है, और सेम जो पिक लगी हुई है मैंने उसे ही ड्रॉ किया और उसे ही बनाने की कोशिश की हूँ। स्किन कलर है, स्किन कलर की सेटिंग्स में सेटिंग्स की मैं एक वीडियोस बनाई हूँ, मैं लिंक में दे दूंगी, आप लोग उसको देख लेना मैं स्किन कलर कैसे बनाती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे अभिनेता के साथ साथ बहुत एक अच्छे इंसान भी थे। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इनके बारे में जो जानने लायक थी। यहाँ मैंने आँख के साइड में डार्क ब्राउन यूज़ किया है। ये नॉर्मल स्किन कलर है जो मैं चारों तरफ पूरे फेस में इसे मैं फील कर रही हूँ। बीच में हल्का लाइट, तीन मैंने इसमें यूज किया है। सेम सारे में स्किन कलर इसमें मैं फील कर देती हूँ। और लाइट स्किन कलर में बीच बीच में दे रही हूँ। ये डार्क ब्राउन है, डार्क मैरून कलर है। लिप के लिए मैंने मैरून कलर यूज किया है। अब टीथ बना रही हूँ। बीच में सबसे पहले मैंने व्हाइट फिल कर लिया, अब ब्लैक से मैं उनके टीथ बना रही हूँ। किनारे किनारे में और डार्क, उससे ज्यादा डार्क मैंने यूज किया है। लिप को साइन देने के लिए मैंने हल्का सा पिंक, हल्का पिंक, हल्का व्हाइट मैंने दिया। हाथ में ऊपर भी मैंने दिया। इनके जो फ्रेंच के दाढ़ी जो हल्के हल्के दिख रहे हैं उनको मैंने ब्लैक कलर से बनाया है। हाथ से हल्का हल्का डॉट दिया है जिधर जिधर जरूरत है। डार्क मरून हल्का हल्का डॉट डॉट मैंने ब्लैक दिया, और ऐसे पिक को सामने से देखने से था उनके फेस पर। मैं यस पहले तो डार्क स्किन कलर का यूज कर रही हूँ, उसके ऊपर जो हल्का डार्क था मैंने उसको फैला लिया है।
ईयर कंप्लीट कर रहे हैं। साइड में पिंक पिंक मैंने दिया है, बीच में ईयर पिंक यूज किया है। स्किन कलर के जितने सेट्स थे वो मैंने यूज किया। अब हेयर बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने पूरा ब्लैक कलर पूरा फिल कर लिया, जितना उनका जो हेयर मैंने ड्रॉ किया था। उसके बाद मैं ग्रे कलर से साइन कर रही हूँ, फिर मरून, फिर ब्राउन। ये तीन कलर से मैं इनके हेयर्स बना रही हूँ। सेम इधर भी मैं वही प्रोसेस करने वाली हूँ। पहले ग्रे कलर, फिर मरून कलर, फिर ब्राउन और हल्का फुल्का व्हाइट, कहीं कहीं ज्यादा साइन दिखाने के लिए। तो इस तरह से फेस कंप्लीट हो गया, ओवरऑल ईयर्स भी कंप्लीट हो गए। अब हम नेक बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक से आउटलाइन किया और बीच में मैं डार्क स्किन कलर से पूरा फिल कर दिया। इससे भी एक डार्क कलर है जो मैं अभी यूज करूंगी बीच बीच में। इसी स्किन कलर में हल्का सा ब्लैक, हल्का सा रेड मिक्स किया और वो डार्क हो गया। फिर लाइट स्किन कलर था उसका मैंने यूज किया। बीच बीच में मैंने व्हाइट भी यूज किया है और ब्लैक से डार्क से मैं नेक में जो वहां पर मुझे दिख रही थी मैं उसको कॉपी करने की कोशिश की हूँ। टी शर्ट के लिए मैंने ब्लू में हल्का सा ब्लैक मिक्स किया और उसे डाल दिया। और जो मेरे पास ओरिजिनल ब्लू जो थे कलर्स के, अब मैं इसके ऊपर से दे रही हूँ। और इसके बाद और सन्स के लिए मैं स्काई कलर्स यूज कर रही हूँ। बैकग्राउंड्स में बिल्कुल फोटो के हिसाब से मैं बना रही हूँ, जो इमेज में है बिल्कुल वही। आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सुशांत जी की पोर्ट्रेट रंगोली कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज़ कैसी बनी है ये पोर्ट्रेट रंगोली, प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आके बताइए। और कोई भी इशू है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।